हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के उस भाग की बात होगी जिसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। तो ऐसे क्या हालात बने कि पाकिस्तान, जो कि कश्मीर को अपने दिल से लगाए बैठा है, उसने इतने बड़े भाग को गिफ्ट कर दिया एक तीसरी पार्टी चाइना को। इस भाग को हम काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1959, ये वो साल था जब चीन ने कुछ नक्शों में पाकिस्तान के भाग को भी चीन में दिखाना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान इससे परेशान होकर चीन से बातचीत करने की कोशिश करने लगा, चीन के विदेश अध्यक्ष को पत्र लिखने लगा, लेकिन चीन ने इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुई जिसमें चीन की एक तरफा जीत हुई और नतीजा चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा बना लिया। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का भाग था, इसलिए इस पर पाकिस्तान का भी दावा था। ये सब देखकर आखिरकार 1962 में चीन ने पाकिस्तान से बातचीत की हामी भरी और दोनों देशों के बीच 1963 में एक एग्रीमेंट हुई जिसे हम सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों की बाउंड्रीज पर बात हुई। चीन ने पाकिस्तान के भाग, जिसे वो पहले अपने नक्शे में दिखाता था, वो पाकिस्तान का है ये मान लिया और बदले में पाकिस्तान ने अक्साई चीन के साथ साथ इस भाग पर भी अपना दावा छोड़कर चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान चीन के सामने काफ़ी कमज़ोर देश था और वो इससे अलग कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता था। हो ये भी सकता है कि उसने ऐसा भारत को परेशान करने के लिए किया हो, भारत पर दबाव डालने के लिए किया हो और चीन को खुश करने के लिए भी किया हो, पर भारत को इससे परेशानी तो हो ही गई। तो बस यही बातें आपको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर करना और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ।